संत कबीर नगर जिले के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान सूर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल खलीलाबाद में कल 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद खेल महाकुंभ का भव्य शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी के साथ निदेशिका सविता चतुर्वेदी करेंगी। कार्यक्रम को लेकर विद्यालय परिवार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। खेल ग्राउंड को दुल्हन की तरह सजाया गया। जिले के जिला मुख्यालय स्थित सूर्यन इंटरनेशनल एकेडमी के खिलाड़ी इन दिनों जमकर पसीना बहा रहे हैं। आगामी 21 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक चलने वाली वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता को गोल्ड मेडल की चाहत रखने वाले अलग अलग गेम्स के खिलाड़ी मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। खो खो खेल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल के खिलाड़ियों के साथ जेवलिन और अन्य स्पर्धाओं के खिलाड़ी साप्ताहिक अभ्यास पर जुटे हुए हैं। एनुअल स्पोर्ट्स के लिए फाइनल टीम में जगह बनाने की कवायद में जुटे सभी स्पर्धाओं के खिलाड़ी रोजाना ग्राउंड पर पसीना बहा रहे हैं। खिलाड़ियों के अभ्यास को परखने और उनकी तैयारियों का जायजा लेने आज एक जब एकेडमी के MD डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने निदेशिका सविता चतुर्वेदी के साथ खेल मैदान पहुंचे, तब उन्होंने क्रिकेट व अन्य स्पर्धाओं की तैयारियों का जायजा लिया। अभ्यास मैच में भी विद्यालय के MD डॉक्टर उदय ने खिलाड़ियों को नकदी पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो जैसे खेलों के जायजा लेने के बाद MD डॉक्टर उदय ने क्रिकेट प्रतियोगिता अभ्यास का अवलोकन किया। इस दौरान क्रिकेट अभ्यास मैच का लुत्फ उठाते हुए उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ कल किया जाएगा, जिसको लेकर विद्यालय परिवार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम को लेकर ग्राउंड को भी बेहतर तरीके से सजाया गया है। कार्यक्रम में कोई भी कमी न हो पाए, इसको लेकर खुद विद्यालय के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी बारीकियों से तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनीश श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बच्चे लगातार अभ्यास कर रहे हैं। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है।